हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो आज आपको इंडियन वर्सेस कोरियन का कंपटीशन दिख रहा होगा, टाटा वर्सेस ह्यूंडई का कंपटीशन दिख रहा होगा। एक ही सेगमेंट में आने वाली ये दो गाड़ियां हैं। ये है पेट्रोल में टर्बो का कॉम्बिनेशन, ये है पेट्रोल में NNI यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड का कॉम्बिनेशन। इसकी बात कर लें तो गाइस ये है टाटा की नेक्सॉन, ये है ह्यूंडई की क्रेटा। बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि ये ट्यून है ट्यून है ट्यून है, क्योंकि ये वास्तव में ट्यून हो गई थी। वीर जी, अब ये क्या है? ये स्ट्रोक है। क्या पावर दे रही है? 118 की हॉर्स पावर 170। यही अगर मैं सूरज भाई से पूछ लूं, सूरज भाई एक बार फ्रेम में आ जाओ। भाई किस नाम से आपका चैनल? मिस्टर तोमर के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सब्सक्राइब करें। चार्ली व्लॉग्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब्सक्राइब करें। दोनों ओनर सब अपनी गाड़ियों के आगे खड़े हैं। आपकी पावर क्या है भाई इसमें गाड़ी में? 115 और 145 बस NA इंजन है आपके पास। यहाँ पे आपको टर्बो का बेनिफिट है। जी हाँ, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 3 सिलेंडर इंजन है या 4 सिलेंडर इंजन है। पहले आपकी राय लेते हैं, क्या लग रहा है? नेक्सॉन मेरे को भी नेक्सॉन लग रहा है। अगर फिगर्स की हम बात करें, वैसे भी टर्बो इंजन है तो दोनों में चांसेस नेक्सॉन के ज्यादा, चांसेस नेक्सॉन के ज्यादा। ऑडियंस पोल बताओ। पर गाड़ी जो है क्रेटा पूरी बराबर की टक्कर देगी, हो सकता है जीत भी जाए। जीत भी जाए, ठीक है जी। ऑडियंस पोल रोहन भाई, देश का लोहा टाटा। क्या लग रहा है रोहन भाई? भाई ये तो टाटा की गाड़ी है। शेर आपको क्या लग रहा है? मैं बढ़िया भाई, और नेक्सॉन ही लग रही है मेरे को। नेक्सॉन लग रही है। तो भाई दिनेश भाई, तो गाइज करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। ज्यादातर वोट नेक्सॉन की तरफ है, मेरा क्रेटा की तरफ है। देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। चलो देखते हैं भाई, स्पार्क प्लग चेंज हो गए इसके। अब ये टर्बो हो गई है। गाइज ESC भी डिसेबल कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब गाड़ी फ्रीली और भागेगी और ट्रैक्शन भी ऑफ है। भाई साहब ये देख रहे हो, लगभग लगभग दोनों बराबर चल रही है, लगभग लगभग। अब निकली है नेक्सॉन थोड़ी सी आगे। ना ना भाई, ये ट्रैक लंबा हो ना ले जाएगी क्रेटा। हाँ, ये ट्रैक छोटा पड़ जाता है, ब्रेक लेने पड़ जाते हैं हमें। स्टोन चिप्स भी आ जाती हैं यार, कोई बात नहीं जी। कमाली कर दिया आपने तो वास्तव में यार। सर्विस कराई किस लिए भाई? चलो ठीक है, सेकंड राउंड करते हैं यार। इसको लॉन्च किसी और तरीके से करना पड़ेगा। एक मिनट दो पेज लगा। क्या हुआ भैया? नेक्सॉन जीती है, लेकिन लंबे में ये जा रही थी, ट्रैक खत्म हो जाता है। हाँ फेयर है। नहीं, स्टार्टिंग में भी गाड़ी यही आगे थी, बीच में ना गाड़ी थोड़ा सा लैग ले जाती है, पता नहीं क्यों। थोड़ी पावर कम हो जाती है, लेकिन मतलब अगली रेस में जीत सकती है, मुश्किल है फिर भी। भाई इसको मैं दूसरे तरीके से लॉन्च करूंगा, इसको देख लिया मैंने, पढ़ लिया। पहली बार तो चलाई है। अरे वहां गया ये, बहुत से एम्प लगवाया। तो कह रहा टक गया था, फिर भी वही जीत रही है भाई, वही जीत रही है भाई, वही जीत। लास्ट वाला राउंड ना मैं लेता हूँ फिर। लो भाई लो, इतना फर्क आना नहीं चाहिए वैसे, इतना आ रहा है ना गाड़ी का। ये फर्क बहुत ज्यादा हो रहा है कि इतना, इतनी भी गाड़ी वो भागती नहीं है जितना फर्क आ रहा है। सही कह रहे हो। आ जाओ आप लोग भाई। गाइस ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, ओनर भाई यानी सूरज भाई चला रहे हैं गाड़ी। थर्ड राउंड है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई एक बार मैं भी देख लूं कि ऐसी क्या गाड़ी के अंदर क्या ही तो कमी लग रही है। क्योंकि यार गाड़ी में भगाता हूँ, गाड़ी नो डाउट अच्छी भागती है, पर हाँ ड्रैग रेस पहली बार कर रहे हैं। हाँ मैंने नेक्सॉन के साथ ड्रैग रेस की थी और मैं जीता था NA के साथ। अब मेरे को ये ऑटोमेटिक नेक्सॉन थी वो, तो वो तो हार जाएगी वो। उसका मतलब बहुत फर्क, गाड़ी दो गाड़ियों का फर्क आ गया था जो मैंने पहले ड्रैग रेस की थी। ये वाली मैनुअल है और टर्बो है, बाकी फिर भी देखते हैं यार क्या है। ड्राइवर चेंज हो गया भाई क्रेटा का। रेडी हो? हां जी। 3 2 1 मैं करूंगा। रेडी सूरज भाई? रेडी 3 2 1। भाई बहुत बढ़िया लॉन्च करा है भाई ने, मैं कह रहा हूँ भाई ने बहुत गजब का लॉन्च करा है, लेकिन नेक्सॉन निकल गई भाई। ये देखो यही गैप था भाई, यही गैप था। हाँ भाई वो पावर कहीं कहीं ना कहीं ले रही है वो ना, देख। पर फिर भी देखो अब देखो स्लो हो रही है, नेक्सॉन स्लो हो रही है, वो डाउन हो रही है ना हमारी। ट्रैक खत्म हो गया यार, ले लो भाई ब्रेक ले लो। देख रहे हो 100-90 के बाद में ना ये आगे जाती है और वो रुक जाती है। पर इस बार चलो कोई नहीं यार, ट्रैक छोटा है आज ना, दिक्कत यही है सारी। पर
मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा पहले वो लॉन्च हुई है और पर फिर भी देखो फर्क तो है ही। हाँ भाई वो जो है सो है। तो भाइयों देखा आपने नेक्सॉन गैरिया में जीत गई, हॉर्न मार मार के बता रही है। अरे बस जीत गई पता है। तो देखा गाइज आपने नेक्सॉन जो है इस ट्रैक की विजेता रहती है, क्रेटा जो है नहीं जीत पाती भाई। ट्रैक थोड़ा लंबा होता तो और अच्छे रिजल्ट निकलते, लेकिन यहाँ पे यही रिजल्ट है कि नेक्सॉन जीत गई। वीर जी ने जब से सर्विस करा दी है ना गाड़ी की, गाड़ी में दो चार ऐसी मेजर कमियाँ थी जो अब दूर हो गई हैं, तो अब ये बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है। भैया सेटिस्फाई हो आप? हाँ जी, आज मैंने मतलब सर्विस कराने के बाद ना हो गया 20-25 दिन, आज फर्स्ट टाइम ड्रैग हुई है तो अच्छा लगा। ठीक है गाइज यही कुछ वीडियो थी। दोनों भाइयों के चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।